what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this Hi guys, welcome back to my channel. Hope आप सब अच्छे होंगे. और आज 13th of December और अभी बज रहा है 11:30 और सुबह का सारा रूटीन हो चुका है. दोनों आदमी ऑफिस और स्कूल सब दोनों चला चुका है. हस्बैंड ऑफिस, शौर्य स्कूल. मैंने आज जिम भी कर लिया है मैंने आज. और मैं थोड़ा बाहर भी गई थी, आज एक केक भी बनाना है. सारा प्रिपरेशन हो चुका है और बाहर गई थी क्योंकि केक पे कुछ डेकोरेशन चाहिए था. बैडमिंटन थीम का केक है तो बैडमिंटन का प्रिंट आउट करवाने गई थी फटाफट. 9 बजे ही गई थी. उसके बाद मैं आके जिम गई, जिम भी किया पूरा. और उसके बाद बस अभी मैं जल्दी जल्दी आज खाना में बन रहा है. हाँ, ब्रेकफास्ट मैंने वो म्यूजली किया था और उसके अलावा कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी तक. प्रोटीन पाउडर पीऊँगी और बीटरूट वाला जो ड्रिंक होता है मैंने सुबह खाली पेट में ही पी लिया. और प्लस प्रोटीन पाउडर वाला ड्रिंक अभी पीऊँगी. फिलहाल मैं तैयारी कर रही हूँ. आज खाने में बन रहा है राजमा और चावल. तो राजमा के लिए मैंने मसाला प्रिपेयर कर लिया है. वही मिर्ची, प्याज, लहसुन, अदरक सबको पेस्ट बना लिया है. उसके बाद फटाफट मैं राजमा छौंक दूंगी क्योंकि 11:30 ऑलरेडी बज चुका है. और ये सब छौक वॉक के मसाला मैंने बना लिया है. और मसाला बनाने के साथ साथ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया मसाला, तो थोड़ा सा बाहर भी स्प्लटर हो गया है. हालांकि मैंने बचा लिया, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ होने दिया क्योंकि मैंने पकड़ लिया था उसको और बंद कर दिया था मैंने जल्दी से. तो फिलहाल यहाँ पे हुआ है, जल्दी से मैं उसको पोंछ लूंगी. वहां पे मेरा मसाला रेडी है. और साथ साथ मैं क्योंकि स्प्लैटर हुआ है तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको भी साफ कर लेते हैं मिक्सी को अच्छे से, क्योंकि थोड़ा बहुत इसमें भी गिर गया है. राजमा मैंने कल रात में ही फुला दिया था तो चीजों को अगर अच्छा से रखा जाए ना, उसका केयर अच्छा से किया जाए तो वो बहुत दिन रहता है. तो इसीलिए ये मेरा आई थिंक 5 साल पुराना है. जब मैं शादी करके बैंगलोर आई थी और अपना गृहस्थी जमा रही थी तब उस समय ये मैंने हम लोग ने परचेज किया था. मतलब मेरे हस्बैंड और मैंने ही सारा घर का सारा सामान हमने मिलके ही एक एक चीज़ परचेज किया है. चाहे वो टीवी से लेके कुछ भी हो, सब चीज़ हमने एक एक करके बनाया है. मतलब उसको घर को बनाया है एक एक सामान लेके. तो ये भी उसी समय का है. तो तब से ये एक, हालांकि एक बार ये ख़राब हुआ था तो बट उसका फिर मैंने बना दिया था. मैंने नहीं, मतलब कि जब हम लोग दूसरे वाले घर में थे ना, वहाँ पे हेल्पर आंटी थी ना, वो बनवा दी थी. उसके हस्बैंड मैकेनिक थे तो बस इसमें कुछ नहीं हुआ था, ये वाला ख़राब हो गया था. तो फिलहाल ये तो अच्छा चल रहा है. और इसमें ये है ना महाराजा वाइट लाइन का है तो ये काफ़ी अच्छा चल गया है. चलिए इसको रख देते हैं, इसका काम तो हो गया. केक का ही मैंने सारा तैयारी कर लिया है. तो केक का स्पंज जो होता है वो बना लिया है और जो क्रीम होता है वो भी बना लिया है.
बस पहले मैं खाना बना लूँ। फिर यहाँ पे देखिए ये केक का स्पंज भी रेडी है, जो चॉकलेट केक बन रहा है आज। और बस फटाफट पहले खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे कुछ खड़ा मसाला डालेंगे, वही बेसिक खड़ा मसाला, इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, थोड़ा सा गोल मिर्च और दो लौंग। इसको उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा, और जीरा डालते के साथ ये वाला जो मसाला है उसको डाल दूंगी। अब इस मसाला को ना आपको बहुत अच्छे से भूनना है, करीब 10 से 20 मिनट लग जाएगा मसाला भूनने में, तो अच्छा से भूने। और हाँ, इसमें हींग भी पड़ेगा, थोड़ा सा हींग भी मैं डालती हूँ अभी, क्योंकि बीन्स वगैरह में हींग थोड़ा सा पाचन शक्ति को अच्छा कर देता है, मतलब पचने में आसानी होगा। हींग तो बहुत ज़रूरी है, तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में हींग ज़रूर डालें। तो ये अभी आराम से इसको लगेगा 20 मिनट, मिलते हैं 20 मिनट बाद। तो बस यहाँ थोड़ा सा ये पका है, तब तक इसमें हम मसाला डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ कलर के लिए, हल्दी, धनिया, हल्का सा गरम मसाला, हल्का सा जीरा पाउडर। अब मसाला को साथ में पकने देंगे, दोनों मतलब प्याज को भी पकेगा अभी और मसाला भी दोनों पकेगा साथ में, तब तक जब तक ये तेल ना छोड़ दे इसको पकाना है। मसाला अच्छे से पक गया है और थोड़ा और पकेगा भी 5 मिनट, उसके बाद हम लोग इसमें राजमा और आलू जो रखा है मैंने उसको इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो राजमा को पहले भी बॉईल करके रख सकते हैं, बट मैं नहीं कर रही हूँ कुछ समय से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है और पूरा उसका टेक्सचर ही बिगड़ जाता है। तो मैं इसी में बस 2 सीटी लगा दूंगी, 2 से 3 सीटी, और ये अच्छे से पक जाएगा। थोड़ा सा अब इसको राजमा के साथ थोड़ा देर ये पकेगा और हल्का सा उसके बाद इसमें जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना ग्रेवी में ग्रेवी का पानी डाल के आप इसको 2 से 3 सीटी लगा सकते हैं, तो आपका फटाफट ये राजमा बन जाएगा। बस अभी थोड़ा केक बना रही थी और खाना वगैरह सब हो गया है, और बज रहा अभी 2:45, और शौर्या बगल में गया है खेलने, उसकी फ्रेंड आ जाती है तो वो चला जाता है खेलने, और मैं फटाफट खाना खा के जल्दी से लग गई थी केक में, क्योंकि उस जिनको चाहिए वो 4 बजे बोले हैं। तो खैर एक लेयरिंग वगैरह करके एक राउंड कर दिया है, बस अब डेकोरेशन वाला काम है, तो तब तक थोड़ा देर के लिए इसको फ्रिज में सेट करने के लिए छोड़ी हूँ, तब तक मैं बाकी जो काम है
वो कर लेती हूँ, किचन वगैरह साफ कर लेती हूँ और फिर केक पूरा कंप्लीट करके तभी बैठूंगी। और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। पौने चार हो रहा है और केक बन गया है पूरा तरह से, जितना कुछ उसमें करना था, जितना स्पेसिफिकेशंस मिला था कि ये करना है वो करना है, फाइनली केक बन गया है टाइम से पहले। मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट, ये देखिए, 1 सेकेंड। इसको मैं अभी फ्रिज में रखी हुई हूँ। एक्चुअली ये बैडमिंटन थीम पे था तो ऐसा दिख रहा है कुछ। आई होप जिनके लिए बनाया है उनको पसंद आएगा। तो फिलहाल इसको फ्रिज में रखा है और ये जब तक वो आएंगे तब तक ये ठंडा होगा, और आई होप कि उनको पसंद आए। चॉकलेट केक है बेसिकली, और ऊपर से उसमें बैडमिंटन थीम चाहिए था। तो बन गया है, सारा कुछ हो गया, खाना वगैरह सब हो गया, बर्तन भी धो दिया, केक भी बना दिया। अभी बज रहा है 4:45, मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा आराम करूंगी और फिर शौर्य का 4:30 बजे से क्लास है, और तब तक मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे, फिर उसके बाद खाना वगैरह, फिर उसके बाद सेकेंड राउंड बर्तन। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी, उस दिन मैं बैठ के पेंटिंग कर रही थी ना, तो यही मैंने बनाया है। जिस दिन मेरा सर दर्द हो रहा था मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ सर कुछ ध्यान भटकाने से ना आपका मन कुछ परेशानी से हट जाता है। तो यहाँ पे देखिए, वही बैठ के मैं ब्लैक कलर का पेंट कर रही थी ना, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसको ऐसे यहाँ पे लगा दिया है अभी, और भी बहुत सारा चीज़ बनाया है तो आपको दिखाया ही है। तो ये एक है, फिर वहाँ पे एक है वॉल हैंगिंग, फिर एक बाहर मैंने एक बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला भी एक बनाया था बहुत पहले, इसको थोड़ा सा मैंने बदला है, चेंज किया है थोड़ा सा। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है अब, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग दिया है थोड़ा बहुत, और उसको बाहर लगा दिया है क्योंकि मिरर्स है ना, तो बाहर लगाने पे अच्छा लुक आएगा। तो बस यही सब है, अभी थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ, फिर शाम का काम में लगूंगी और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो बस अभी शाम का 5:45 बज रहा है, अभी शौर्य का होमवर्क चल रहा है, उसको अभी 3 लेटर्ड वर्ड सिखाया जा रहा है। व्हाट इज दैट केक लिड के स्पेलिंग? जी के आई डी एल आई डी व्हाट इज लिड किड किड? मीन नाम किड व्हाट इज लिड? लिड मीन ढक्कन व्हाट इज केग? किड ओके मीन ओके, केक फिनिश योर होमवर्क। तो इधर इसका होमवर्क चल रहा है और साथ में मेरा उधर चाय बन रहा है, और पति देव का खाना हो गया है, वो बस बर्तन वगैरह सब धो लिया, थोड़ा सा चाय चाय इधर बर्तन था, केक भी जिसको देना था वो केक लेके गए हैं। बज रहा है 5:45, तो ये है शाम का टाइम, और यहाँ पे मैं चाय का बर्तन बस रखी हूँ, चाय चढ़ाऊंगी अभी और चाय पीऊंगी आराम से, फिर उसके बाद जाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा शाम का पूजा करेंगे, फिर उसके बाद का पूजा करेंगे, फिर उसके बाद शाम में 7 बजे के आसपास टहलने जाऊंगी, थोड़ा वॉक करूंगी, फिर आके खाना बनाऊंगी, और यही है रूटीन, यही चलता है। और दिन में जो राजमा बनाया था बहुत टेस्टी बना था, थोड़ा सा बचा है तो रात में वही खाएंगे, साथ में ऑमलेट वगैरह और रोटी, तो रात का कुछ टेंशन नहीं है। तो फिलहाल बस मैं जाती हूँ चाय बनाने, और आई होप जिनके लिए केक बनाया है वो अपने बेटा के लिए केक बनवाए हैं, वो ना बैडमिंटन प्लेयर है तो उसको उसके लिए चॉकलेट केक था, तो वो आके लेके गई हैं अभी। तो आई होप कि उनके बेटा को और सबको पसंद आए केक, अच्छा लगता है क्योंकि कुछ आप बनाए तो
जिनको जिन जो जिसने बहुत मन से ऑर्डर दिया है उनको भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। और मेरे सेटिस्फेक्शन ये तब होता है जब बनाया है तो उसको पसंद आया है उनको, तो बस इसी तरह चलता रहता है ये सिलसिला। और फिलहाल मैं जा रही हूँ चाय बनाने और साथ में खाऊंगी कुछ स्नैक्स जो मैंने बनाया था, और बस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो बस अभी बज रहा है 8:30 और हम जा रहे हैं खाना खाने। रोटी और ऑमलेट बनाया है जैसा कि आपको बताया था, बस यही है। आज का दिन ऐसा ही बीता, सुबह से थोड़ा हेक्टिक था, केक बनाना था, कुछ कुछ काम था, और बाकी राजमा चावल बनाया और काफ़ी टेस्टी बना था, और फिर बस यही ऐसा दिन बीता। चूंकि वीक डे है तो ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग बहुत एक्साइटिंग नहीं रहता है, जस्ट नॉर्मल रूटीन डे। तो बस वीडियो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बने रहें मेरे साथ। तब तक मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, और प्लीज़ शो सम लव, कुछ कमेंट करें, कुछ लाइक करें। मैं हर बार बोलती हूँ बट फिर भी लोग देखते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं, तो ज़रूर लाइक करें, थोड़ा इनकरेजमेंट मिलता है। तो चलिए गाइज, हम जा रहे हैं अपना खाना खाने। खाना यही है हमारा, खाना सिंपल सा खाना। चलिए बाय।